A very good morning, student. Today we will continue the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Dear student, yesterday we have studied here. Now we will start from here. We who were outlaw not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम जो अधिक समय पहले की बात नहीं है, आउटला मतलब गैर कानूनी थे, को आज हमारी अपनी भूमि पर जो वर्ल्ड के राष्ट्र हैं उनको होस्ट मेजबानी करने का दुर्लभ अधिकार हमने दिया है. वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल guest for having come to take positions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We thank you. वो कहते हैं हम अपने जो सभी जो विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान हैं, जो हमारे देश के लोगों की जिसे न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, पीस शांति के लिए एंड ह्यूमैनिटी मानवीय गरिमा के लिए हमारे साथ जीत में साथ देने के लिए हम सभी उन्हीं को धन्यवाद अर्पण करते हैं. We have at last achieved our political emancipation. हमने आखिरकार जो राजनीतिक संपन्नता प्राप्त कर ली है. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. जैसे we have at last achieved our political emancipation. जैसे हमने हमारी जो राजनीतिक अधिकार संपन्नता है वो तो प्राप्त कर ली है एंड हम सभी जो अपने लोगों को लगातार कंटिन्यू जैसे गरीबी के बंधन से पॉवर्टी गरीबी के बंधन से डिप्राइवेशन किसी चीज़ से वंचित करने के लिए सफरिंग दुखों से जेंडर लिंग भेदों से उन सभी से उनको मुक्त कराने की शपथ लेते हैं. नेवर 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 अगेन सेल it be this that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Never कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कहता है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा कि हमारी जो beautiful land है उसका एक का दूसरे के द्वारा दमन की अनुभूति करेगा. oppression मतलब कि किसी व्यक्ति की धरती पर कोई दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर कब्जा करेगा ऐसा कभी भी नहीं होगा. डियर स्टूडेंट, दीज टू लाइन्स आर वेरी इम्पोर्टेंट. द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन
अचीवमेंट। वो कहते हैं इतनी जो गौरवशाली हमारी मानवीय जो उपलब्धि है उस पर सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा, अर्थात हमारी गौरवशाली जो मानवीय उपलब्धि है उस पर सूरज हमेशा चमकेगा। लेट फ्रीडम रेन, आओ स्वतंत्रता को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज एज ए स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोल्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। तो नेक्स्ट लाइन में कहता है कि आफ्टर ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ पलों के पश्चात, वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज, हम सभी ने अपनी आँखें आदर भरे विस्मय से मतलब ऊपर उठाई। स्पेक्टू अरे, और जो साउथ अफ्रीकन जो जेट थे, दक्षिण अफ्रीका के जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों और जो सेनावाहक हवाई जहाज थे, उन्होंने यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर पूरी तरह सटीक संरचना में गर्जना की एक साथ। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजंस एंड मिलिट्री फोर्स, यह केवल सटीक परिशुद्धता एवं सैन्य बल का एक प्रदर्शन नहीं था, मिलिट्री फोर्स का केवल प्रदर्शन नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। आगे वो कहता है कि ये केवल एक मिलिट्री का प्रदर्शन ही नहीं था बल्कि जो लोकतंत्र था उसके प्रति, और जो नई सरकार जो बनी है जो स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी उसके प्रति सेना की जो निष्ठा था उसका प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ क्षण पूर्व, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडकेक विद रिबंस एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लीज देयर लॉयल्टी। कुछ क्षण पूर्व, जैसे अभी बताया कि जो दक्षिण अफ्रीका के रक्षा बल के वो जो पुलिस के जो हाईएस्ट जो जनरल थे जिनके बीते हुए दिनों से फीते वे पदकों से जो सज्जित थे उन्होंने मुझे सैल्यूट किया एंड सब मुझे शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। तो आगे कहते हैं कि मैं इस फैक्ट से, इस तथ्य से बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं था क्योंकि बहुत वर्ष पहले की बात नहीं है कि जब ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे गिरफ्तार करते थे, अरेस्ट करते थे। फाइनली
a chevron of impala jet left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. आगे कहते हैं कि लास्ट में फाइनली जो इम्फाला जेट विमान को दक्षिण अफ्रीका के जो नए झंडे जिसे कि काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंगों की धुआं छोड़ते हुए रेखाचिन्ह करते हुए वी आकृति में एक एक करके छोड़े गए. ओके स्टूडेंट, हैव ए प्लीजेंट डे. आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे. टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. थैंक यू वेरी मच.